एंड वेलकम बैक टू माई चैनल और मैं हूँ प्रज्ञा। सो आज का वीडियो होने वाला है ब्रेसेस के ऊपर। सो बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि ब्रेसेस में जो मैंने पैलेट एक्सपेंडर लगाया था वो कैसे यूज करते हैं, उसका कॉस्टिंग क्या होता है एंड मुझे कब ब्रेसेस लगाए गए थे, एंड एक और चीज कि मेरे ब्रेसेस के प्रोसेस में मेरे एक भी दांत एक्सट्रैक्ट नहीं किए गए हैं। सो किस क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन है, उनका आंसर उनकी आज के वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मुझे ब्रेसेस लगाए गए थे 14 ईयर्स, यस, जब मैं 14 ईयर्स की थी। सो मेरा प्रोसेस स्टार्ट कैसे हुआ था ब्रेसेस का, मैं 14 ईयर्स की थी तभी मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया था। तो सबसे पहले मुझे लगाया गया था पैलेट एक्सपेंडर। सो आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो, जस्ट इसी की तरह लुक अलाइक था, जैसे कि अभी ये स्क्रीन में थोड़ा ऑरेंज कलर का ना, तो मेरा थोड़ा सा हमारा जो स्किन का जो कलर नहीं होता है वो कलर का मेरा पैलेट एक्सपेंडर था। सो वो मुझे सबसे पहले लगाया था डॉक्टर ने, और उसकी कॉस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली आई गेस 13-14 थाउजेंड के अराउंड थी, ऐसे कुछ की थी, 13 या 14 थाउजेंड के कुछ आजू बाजू में ही थी। सो उस पहले आपको लगाते हैं वो पैलेट एक्सपेंडर। सो ये लगाना कैसे होता है, सो आपको एक, आप जब डेंटिस्ट के पास जाते हो ना, तो एक क्ले जैसा कुछ मटेरियल लेते हैं एंड दे यूज टू ऐसे ऊपर एक लगा देंगे, नीचे लगा देंगे एंड आपके जो दांत का जो क्या कहते हैं शेप, यस शेप, शेप होता है ना, उस तरीके से उसका शेप निकाल लेते हैं एंड उसके हिसाब से आपके लिए आपका पर्सनलाइज्ड एक्सपेंडर बनाते हैं। सो आपको क्या करना होता है ना, जस्ट उसे ऊपर और नीचे ऐसे लगाना होता है एंड मेरा प्रोसेस जो था वो समथिंग 8 to 9 month का था, ठीक है। तो मुझे उन्होंने दिया था, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, आपको जस्ट लगाना होता है, यस इट्स ऑकवर्ड, बहुत ऑकवर्ड फील होता है स्टार्टिंग का। मैं आपको बोलूँ 1-2 दिन होता है कि बोलने में अजीब बहुत लगता है एंड यू नो व्हाट होता क्या था, मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगता था कि मैं कभी बोलती थी तो बहुत तोतली सी आवाज बोलते ना, कभी कभी वैसी आ जाती थी। फिर एक महीना जैसे ही पास हो जाता ना तो आपकी आवाज वैसी हो जाती, स्टार्टिंग में आपको खाने में भी बहुत प्रॉब्लम आता है, डेंटिस्ट ऐसे बोलते कि उससे लगा के ही खाया करो, बट वो बहुत ऑकवर्ड फील करता है। तो मैं क्या करती थी, मैं निकाल देती थी एंड देन आई यूज टू ईट, और मैं खाने मतलब फिर क्या स्कूल भी जाना रहता था, तो स्कूल में क्या मैं अगर क्या कहते हैं हम रोटी सब्जी ऐसा कुछ लेके जाती थी तो होता क्या था कि उसमें वो थोड़ा सा हमारा ये जो होता है ना उसके थोड़ा सा ऐसा ओपनिंग था, तो उसमें क्या होता था, हम खाना खाते थे वो अंदर चला जाता था, तो फिर मैं स्कूल में तो ब्रश नहीं कर सकती हूँ ना, तो वो बहुत ऑकवर्ड होता था। तो व्हाट माय मम्मी यूज्ड टू डू, वो ना मेरे लिए अलग अलग शेक्स बना देती थी, तो मैं अपने बॉटल में शेक्स लेके जाती थी एंड वो पीती थी, क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसा अंदर नहीं जाता था, बट हाँ मैंने उस टाइम बहुत सारे शेक्स पिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, और मैं बहुत नखरीली थी, अभी भी मैं हूँ, मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे वो नहीं पसंद है, मैं ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी, तो उसमें बस थोड़ा सा होता है, बट हाँ फिर उसके बाद एक महीने बाद धीरे धीरे सब नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से मेरे को, मुझे बोला था पैलेट एक्सपेंडर यूज करने के लिए। सो आपका प्रोसेस चलता रहता है एंड जब एंड के 2-3 महीने हो जाते ना, तो मुझे जो मेरा एक्सपेंडर दिया था नीचे वाला एंड ऊपर वाला, एक की टाइप देती थी, उसको ऐसे डाल के डेली मुझे एक ऐसे टर्न देना था, ओके ऐसे उसको एक बार ऐसे घुमा देना था और वापस पहन लेना था। तो ये जो कर उसका काम क्या होता है एक्चुअली, ठीक है, उसका काम ये होता है ना कि आपकी जो जॉ लाइन है उसके बीच में स्पेस बना दे, और मेरा नीचे, मेरा ऊपर के दांत में मतलब जगह थी पर नीचे नहीं थी, तो एक्चुअली मुझे नीचे ज्यादा उसका काम करना पड़ा था, तो नीचे मुझे 2 टर्न्स ऐसे दिए थे, तो कभी तो वहां पे यूज करने के बाद कि आपके दांतों के बीच मुझे वैसे लगाने को डॉक्टर ने दिया था, तो मैं उसको लगाती तो थी डेली बेस पे एंड जस्ट सिर्फ 1 महीना बाकी था, तो जो नीचे वाला था ना मेरा, तो वो वॉलीबॉल पीरियड था क्लास में, ठीक है, हम लोग वॉलीबॉल नीचे खेलते थे एंड मैंने उसको 2 बार की जगह थोड़ा से बोलते हैं ना कुछ तो हो गया था, मैं ऐसे ऐसे निकाल निकाल कर रही थी क्योंकि वो लूज हो गया था, उसको फिट करते थे उसकी से, मैंने फेस पे फिट नहीं किया था उस दिन, तो ऐसे लूज करने के चक्कर में क्या हुआ ना, वो दांत के बीच में आके वो टूट गया एंड देन मैं जब डेंटिस्ट के पास गई तो बोला ठीक है फिक्स तो हो जाएगा, बट तब तक मेरा प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, तो उसके बाद लगे मुझे मेरे ब्रेसेस। तो यस, सो ये जो पैलेट एक्सपेंडर होता है ना, उसे लगाने के बाद देयर आर चांसेस लेस कि आपके दांत निकालने पड़ेंगे, और ये जो पैलेट एक्सपेंडर होता है वो सबको नहीं लगता है, यस इसकी एक एप्रोप्रिएट एज होती है जो कि अराउंड 13-16 ईयर समथिंग कुछ की होती है, तो अगर आप इस एज के बीच में
ना ये पैलेट एक्सपेंडर लगा के फिर ब्रेसेस लगाओगे तो देयर आर लेस चांसेस कि आपके दांत एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे. सो यस, मेरे एक भी दांत एक्सट्रैक्ट नहीं किए गए. सो आई वॉज फीलिंग सो ब्लेस. स्टार्टिंग मुझे ऐसा लगता था कि यार ये डॉक्टर कुछ भी बोलता रहता है यार, ये कौन सा लगाने का होता है, वो थोड़ी लगाना होता है. एंड तो मुझे तो बहुत होता था, बट मेरे को घर पे बोलते थे नहीं, डॉक्टर ने बोला लगा लगा लगा. मैं अभी भी बोलती, मैं तो नहीं लगाती थी, बट ठीक है अच्छा हुआ एंड थैंक्स टू डॉक्टर की उनकी वजह से शायद मुझे आज इन दांत एक्सट्रैक्ट नहीं करवाने पड़े. सो यस, पैलेट एक्सपेंडर का यही काम होता है. एंड इसकी जो कॉस्टिंग वो भी मैंने आपको बता दी. एंड ये प्रोसेस 8 से 9 महीने तक का होता है एंड उसको निकालने के बाद आपके लगते हैं ब्रेसेस. सो या इतना लॉन्ग प्रोसेस होता है हमारे पैलेट एक्सपेंडर का. सो ये सब चीजें होती है. एंड जो सेकेंड चीज थी, मेरे एक भी दांत एक्सट्रैक्ट नहीं किए गए थे तो आई वॉज फीलिंग सो ब्लेस्ड. हाँ चलो अच्छा है, एक भी दांत मेरे एक्सट्रैक्ट नहीं किए गए. एंड अभी भी मेरे ब्रेसेस है एंड इट्स अराउंड 13 months कंप्लीट हो गए हैं एंड स्टिल इट्स ऑन. मेरे ब्रेसेस अभी भी लगे हुए, बट अच्छी चीज ये है कि अभी 1 महीने में वो निकल जाएगा. तो निकल जाने के बाद मैं आपके लिए एक और अच्छा सेगमेंट लेके आऊंगी इससे रिलेटेड कि माय फुल जर्नी. क्योंकि ब्रेसेस में तो यार मैंने ना क्या क्या नहीं तोड़ा है, मतलब को क्या क्या नहीं किया है, वर्ड बोल सकते ना. मैंने बहुत सारे इसके साथ उल्टे फुलटे तोड़ फोड़ सब कुछ किया ब्रेसेस के साथ, बोलते ना फुल ऑन. मेरे को डॉक्टर ने बोला था ना 3 महीने तक पानीपुरी नहीं खाने का, पिज्जा नहीं खाने का. पिज्जा खा सकते हैं बट उसको बोलते ना ऐसे तोड़ तोड़ के तोड़ तोड़ के. अभी वैसे करके से खाने में ऐसा फीलिंग नहीं आता ऐसा कि यस पिज्जा खा रहे हैं हम लोग. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे आपको थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस दे देते हैं. एंड जिस जो हमारा जो क्या बोलते हैं पैलेट एक्सपेंडर, या सो उसमें ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, उसमें आप जो मर्जी चाहो सब कुछ खा सकते हो, सब कुछ जैसे खाना चाहो वैसे खा सकते हो बस. और उसमें ना केयर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती. यस एक चीज़ होती है कि ना आपको अपने पैलेट एक्सपेंडर के लिए एक सेपरेट ब्रश खरीदना पड़ जाता है, जो टूथब्रश होता है हमारा नॉर्मल वही वाला, और मतलब कोई वेरिएशन नहीं होता उसमें. सो आपको एक टूथब्रश रखना होता है डेली, रात को आपको उसको भी ब्रश कराना होता है, अपने दांत को भी ब्रश करवाना होता है. तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चला जाता है एंड बस यही करना होता है. और तो कुछ उसमें ज़्यादा मुझे मतलब ऐसा कुछ बोला नहीं था डॉक्टर ने, तो बस वही था उसको डेली ब्रश कराओ, खुद के दांत को भी रात को ब्रश करो एंड देन इट्स ऑल. तो इस तरीके से आपको पैलेट एक्सपेंडर का यूज़ करना होता है. एंड रही बात ऑकवर्डनेस की, वो तो मैंने आपको बताई थी कि वो थोड़ा ऑकवर्ड तो था मेरे लिए कि मैं ना उसको लगा के जाती थी. तो स्कूल में पता क्या होता था, मैं से बोलती थी तो आवाज़ ही बहुत अजीब आती थी, मतलब आई कांट एक्सप्लेन, बहुत थोड़ी सी अजीब आती थी स्टार्टिंग में. तो स्टार्टिंग में लाइक मैं रूमाल बंद करके आती थी, मेरे को कोई कुछ भी बोलता था ना तो मैं लाइक मैं नहीं बोलूँगी वाला कर देती थी. तो यस पैलेट एक्सपेंडर में बस आपकी आवाज़ बहुत तोतली सी आती है. जो सेकेंड प्रॉब्लम ये होती है कि आप जब नया नया लगा के आते हो ना तो बहुत सलाइवा निकलता है आपके फेस मतलब सॉरी माउथ से, क्योंकि हमें ना उसकी आदत नहीं होती है पैलेट एक्सपेंडर की. सो बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में 1-2 दिन तक सलाइवा निकलेगा एंड देन इट्स नॉर्मल, फिर वो नॉर्मल हो जाएगा आपके लिए. तो या बस ये पैलेट एक्सपेंडर से रिलेटेड मुझे क्वेरीज आ रही थी तो मैंने बता दिया. सो पैलेट एक्सपेंडर में कोई टेंशन लेने की बात नहीं है. एंड बहुत और ना बोलो लगवा लेना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि आपको मेरी कजिन है उसने भी ब्रेसेस लगाए, पर शी वॉज 18 और 19 व्हेन शी गॉट हर ब्रेसेस. तो उसके 4 दांत एक्सट्रैक्ट किए थे. तो जब मैंने उसका जब सुना था ना मुझे था यार मेरे भी 4 निकालेंगे कितना दुखेगा. सो यस इसे लगवा लीजिएगा, बहुत फायदेमंद है. तो हाँ ब्रेसेस में ऑकवर्डनेस थोड़ी बहुत ही होती है उसके बाद तो, क्योंकि ब्रेसेस इज जस्ट नॉर्मल, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं. अब किसी के दांत आगे पीछे होते हैं तो उसके भी ब्रेसेस लगाते हैं. जो पर्सनली मेरी प्रॉब्लम थी ब्रेसेस की, क्योंकि मेरे जो दांत थे ना ऊपर वाले वो बहुत कितना सा अजीब सा दिख रहा है थोड़ा सा, तो वैसे मेरे दांत बहुत ज़्यादा आगे थे एंड जो मेरे नीचे के दांत थे ना वो ऐसे ओवरलैप्ड थे एक दूसरे के ऊपर, सो इसलिए मुझे ब्रेसेस लगाना ज़रूरी था. तो मैंने भी लगाए एंड इट्स स्टिल ऑन. लेट्स सी नेक्स्ट मंथ ये निकल जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो जरूर से आने वाला है. सो आई होप आपको यू नो मेरी विचित्र अचित्र पैलेट एक्सपेंडर का यू नो ये वीडियो पसंद आया होगा. सो या वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना अगर आप चाहते हो मेरा ब्रेसेस जर्नी देखना, क्योंकि जो मेरी ब्रेसेस जर्नी थी वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी. अमेजिंग मतलब बहुत ज़्यादा अमेजिंग, यू कैन अंडरस्टैंड कि जो अमेजिंग मैं कहना चाह रही हूँ. सो आई होप आपको पसंद आया होगा. फर्दर कोई क्वेरीज डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो एंड अंटिल देन बाय बाय.